चलो आपको बोल रहे हैं अधिकतर मंत्री विधायक ऐसे हैं कि जिन्हें उनका अधिकारी अगर ये बोल दे कि सर आपका दिया हुआ काम पूरा हो गया तो वो मान लेते हैं, लेकिन गडकरी जी खुद जमीनी हकीकत को जाकर के देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जब गडकरी जी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर के रोड का निरीक्षण किया, उसके बाद बस में बैठकर के रोड का निरीक्षण किया और उसके बाद कार में बैठकर के निरीक्षण किया और कार को 170 की स्पीड भगवाया, ये देखने के लिए कि झटके तो नहीं लग रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। निकल जाता है कूड़ा, मुझे जानकारी ऐसे ट्रक निकल जाते हैं। बड़े पैमाने पर डाला, अभी हमने अहमदाबाद गुजरात में हाईवे बना रहे हैं, 20 लाख तक कचरा। और अभी हम पॉलिसी बना रहे कि NHI और हमारे राष्ट्रीय महामार्ग पर दो चीजें होंगी कि क्रैश बैरियर बाम्बू का बनेगा, जो बाम्बू किसानों को पैदा करें, और दूसरी और कचरा जो है हम लोग हर शहर का कचरा हम यूज करेंगे ताकि किसी शहर में कूड़े की टेकरियां दिखेगी। अब धीरे धीरे और एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंक्रीट होता है इसमें जो पानी लगता है वो गंदा पानी को रिसाइकलिंग करके उसी पानी को हम कंक्रीट में यूज करें, उसके लिए प्री कास्ट की फैक्ट्री डालें और प्री कास्ट को मैंडेटरी करें। फिर हम लोग ये स्टील के बजाय अभी फाइबर ग्लास स्टील का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेष रूप से डिस्टेंस बिटवीन टू पियर अभी 40 मीटर होता है वो 120 मीटर कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का बीम जो है वो स्टील फाइबर में कास्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी कम होगी। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का देना। अभी जो मशीन्स आ रही है, मैंने उसमें आज भी ऑटो एक्सपो में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मशीन आई, हम सोच रहे कि इलेक्ट्रिक और LNG और इथेनॉल की मशीन जनरेटर से जो लाएंगे उनको हम एकदम लगभग इंटरेस्ट नहीं के बराबर लेकर उनको मशीन के लिए पैसा देंगे ताकि प्रदूषण मुझे लगता है कि ये सब प्रकार के प्रयास अगर हो जाएंगे उससे निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। ये जो प्लास्टिक निकलता है इसका मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ, इस प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार कर रहा हूँ, अच्छा बाद में इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी निकलता है और ये जो ऑर्गेनिक है ये बायोडाइजेस्टर में डालकर इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, मीथेन बनता है मीथेन से। तो ये जो धीरे धीरे हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये हाइड्रोजन तैयार करने वाले घर हैं और उनके हाइड्रोजन पर हमारी बसेस ट्रक चले और हवाई जहाज चले और रेलवे चले, देश को प्रदूषण से टेक्नोलॉजिकली प्रूव हुआ। सबसे अच्छी बात और एक आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के प्रदूषण के लिए परली जला देते हैं, अब CSR और सेंट्रल रिसर्च बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूवन टेक्नोलॉजी कर दी है कि अब परली से बिटुमिन तैयार हो गया। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं कहता हूँ, मैं किसान हूँ, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा, अब किसान बिटुमिन दाता बनेगा। और वो बोले मेरे को 500 क्विंटल गेहूं हुआ, 1000 क्विंटल गन्ना हुआ, वो बताया इस साल 200 टन मैंने बिटुमिन दिया। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जिसमें परली से बिटुमिन बनेगा 70% और 30% बायोचार बनेगा, आयुर्वेदिक कार्बन। और ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में डालने से उत्पादन क्षमता, ऑर्गेनिक कार्बन है, मेरे खेती में 85 टन मुझे गन्ना हुआ, 850 क्विंटल, अब ये हमारे 1000 क्विंटल हुआ है, 1200 क्विंटल हुआ है। तो इस कारण ऑर्गेनिक कार्बन ही ये ऑर्गेनिक कार्बन किसानों को मिलेगा और विटामिन का इम्पोर्ट 30 लाख टन का कम होगा और ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गाँव का विकास होगा। तो ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है, मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ।
दोस्तों आइए देखते हैं वो कार का वीडियो जब गडकरी जी ने उस कार को 170 की स्पीड भगवाया था। गाड़ी को अगर ले जाए यहाँ तो क्या थोड़ी धूल मिट्टी आ गई, अभी सफाई हो जाएगी, तो गाड़ी इसके ऊपर जा सकती है? हाँ वो नहीं होगा सर। तो ये फास्ट फास्ट चलो, साइड से ले लो, आगे साइड फास्ट ले लो, 100 पे लो, साइड से तो इसमें छोटी गाड़ियों का 100 स्पीड। अब ये धूल देख रहे हैं ना सर, वैसे रोड पे दिख नहीं रही है, गाड़ियां चलती हैं तो ये धूल निकलती है, तो इसका दिन में दो बार सफाई करवाएंगे ताकि नहीं हो। प्लांटेशन तो कराओगे ना मीडियम में, कहीं आगे हुआ है कहीं पैकेज में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।